क्वेश्चन लिखो इसमें, मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण क्या है? उत्तर लिखो। मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह को ही कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह को ही कहते हैं। मृदा संरक्षण से तात्पर्य है, मृदा संरक्षण से तात्पर्य है मृदा के क्षरण होने से, मृदा के क्षरण होने से बचाना। मृदा के क्षरण के क्षरण अनेक कारक हो सकते हैं, अनेक कारक हो सकते हैं। जैसे तेजी से हवा का बहना, तेजी से हवा का बहना, कौमा देके, तेज जलधारा से मिट्टी का कटना, तेज जलधारा से मिट्टी का कटना। हिमानी अथवा समुद्री लहरें, समुद्री लहरें इन सभी कारकों से मृदा की रक्षा करना, मृदा की रक्षा करना मृदा संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन अगला लिखो। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान लगभग नगण्य है, लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें। उत्तर लिखो। ये तो स्पष्ट है कि, ये तो
अस्पष्ट है कि भारत में अत्यधिक पशुधन है, भारत में अत्यधिक पशुधन है। फिर भी अर्थव्यवस्था में इनका योगदान नहीं के बराबर है, कारण यह है, देश में कृषि बढ़ने से चरागाहों की कमी हो गई है, जिसका पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साथ ही सभ्यता के विकास ने पशुधन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, नए नए औजारों मशीनों के कारण लोग पशुओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज केवल पशुधन के रूप में गाय और भैंस ही बच गई है। अगर गाय या भैंस
मादा का जन्म देती है, मादा का जन्म देती है तो लोग उसे पशुधन के रूप में, लोग उसे पशुधन के रूप में उपयोग में लाते हैं। यदि नरलिंग हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, भारत में पशुधन की ऐसी स्थिति है, पाठ बदल दो, पाठ नंबर एक का अब ख चलेगा, जल संसाधन। क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करो। क्वेश्चन एक लिखो। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति, के कारण ही, पृथ्वी को कहते हैं, उत्तर लिखिए नीला ग्रह, रस्तगीला। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग, महासागरों में निहित है, उत्तर होगा 95.5%, 95.5%। प्रश्न अगला, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रश्न अगला लिखो। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा, निहित होती है, उत्तर होगा 65%,
प्रश्न अगला, बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। उत्तर होगा फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड। प्रश्न अगला, बहुदेशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। प्रश्न अगला लिखो, बहुदेशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुदेशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखो, बहुदेशीय परियोजना से हम यह समझते हैं बहुदेशीय परियोजना से हम यह समझते हैं कि एक परियोजना के पूर्ण होने से, एक परियोजना को पूर्ण होने से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो, बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो, बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हो, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, पेयजल, पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, परिवहन, आदि की पूर्ति हो, आदि की पूर्ति हो, तो ऐसी परियोजना को बहुदेशीय परियोजना कहते हैं, तो ऐसी परियोजना को बहुदेशीय परियोजना कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, जल संकट क्या है, जल संकट क्या है, जल संकट क्या है। उत्तर लिखो, आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जल की प्राप्ति, जल की प्राप्ति, जल की प्राप्ति न होना, जल संकट कहलाता है।
जल संकट कहलाता है। प्रश्न अगला लिखो, जल संसाधन के उपयोग क्या है? जल संसाधन के उपयोग क्या है? जल संसाधन के उपयोग क्या है? उत्तर होगा जल संसाधन के अनेक उपयोग है। अनेक उपयोग है। जैसे पीने के लिए, जैसे पीने के लिए। शौच के लिए। भोजन पकाने के लिए। कपड़े की सफाई के लिए। उद्योग धंधों के लिए। इत्यादि। क्वेश्चन अगला लिखो, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? जल संरक्षण के उपाय बताएं। जल संरक्षण के उपाय बताएं। उत्तर लिखो, जल का अपव्यय या उसे दूषित होने से, या उसे दूषित होने से बचाना ही जल संरक्षण है। बचाना ही जल संरक्षण है। देखो, दूसरा दुनिया में घूमत देखा है मुंह का। जल संरक्षण है। पैराग्राफ छोड़ के लिखेगा, जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। एक नंबर लगाओ, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति की जाए। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति की जाए। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? जल पृथ्वी के अंदर में लेवल उसका बना रहे, इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इस समय गवर्नमेंट हमारी पंचसुख का निर्माण करती है कि उस जल जहां है वहीं बना रहे।
दूसरा नंबर, आहरा पोखरा की खुदाई कीजिए कि वर्षा का जल सालों भर उसमें भरा। नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाया जाता है कि पानी वहां रुक कर मरेगा। ये सब क्या है? पुनः पूर्ति करने का उपाय है। दो नंबर लगाइए, जल संभरण का प्रबंधन करें। जल संभरण का प्रबंधन करें। जल संभरण का प्रबंधन करें। जल संभरण के प्रबंधन का मतलब है कि अनायास जल बह रहा है तो उसको रोका जाए, कहीं कितना भी गंदा जल हो उसको रोका जाए। क्योंकि आप समझते हैं कि जो जल निकलता है उस स्वच्छ जल हम पीते हैं, ये भरम छोड़ देना। ये नदी नाले लैटिन फैटिन के सारे पानी जो है ना, यही पृथ्वी के अंदर जाते हैं, वहां तक जाते 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 स्वच्छ हो जाते हैं 100 फीट पर, और फिर उसी को आप क्या करते हैं, पीते हैं। शहरों में तो उतना टाइम ही नहीं मिलता है। शहरों में तो गया गंदी नाली से लैटिन से पानी बह रहा है, नली में बड़ा का नाला में जा रहा है, वो नाला जाकर गिर गया जमुना जी में, दिल्ली की बात करते हैं, वो जमुना जी का पानी जो है फिर फिल्टर करके आया आप घरे पीने के लिए, नहाने के लिए आया कि नहीं आया। तीन नंबर लगाओ, तकनीकी का विकास करना बहुत जरूरी है। तकनीकी का विकास करना बहुत जरूरी है। नाम शायद ठीक है। ठीक है, चार नंबर लगाओ, वर्षा जल का संग्रहण। वर्षा जल का संग्रह चाहे संग्रहण और उसका पुनः चक्रण करना, और उसका पुनः चक्रण करना। पहले के ऋषि महर्षि क्या करते थे, चाहे लोग क्या करते थे, वृक्ष लगाएंगे रोड के किनारे किनारे, तालाब आहर पोखर बनाएंगे उसके किनारे किनारे वृक्ष लगाएंगे, नदियों से हटकर दूरी पर वृक्ष लगाएंगे, झाड़ियां लगाएंगे। ये सब किस लिए? इसलिए कि आपका जो ये परिवेश है, वातावरण है, चाहे आपके जो और सारे चीज लगे हैं, वे सब इनको लगाने से ऑक्सीजन बना रहेगा। पेड़ पौधे अपनी तरफ किसी चीज का खिंचाव करते हैं, वर्षा अच्छी तरह से होगी, खेती गृहस्थी में नदी आहर पोखर का सहायता मिलेगा, पानी भरा रहेगा। मान लो कि कभी वर्षा हो गई कि हो रही है, थोड़े रुक कर वर्षा हुई है, तो इससे क्या होगा, पानी रहेगा तो उस पोखरे के पानी से, आहरे के पानी से सिंचाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज उसको क्या लोग कर रहे हैं, उसको बीच में आकर सब क्या किया, बंद कर दिया। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है ये, तो ये सब क्या होता है, प्लेटो अरस्तु में कई बार ये सब क्या है, सब विचारक है, महान विचारक है, बहुत विचार किया अपने लाइफ में, कुछ नहीं किया, समाज का सेवा किया। उन सबों ने क्या कहा, यही तो कहा कि सब लोकतंत्र जो है मूर्खों की सरकार है, इसमें मूर्ख बैठता है सब, चलहां कोनो नहीं है। बतलाओ, पहले से जो आहर पोखर पूर्वजों के हैं उसको भरने की क्या जरूरत थी, उसका उत्खनन करके बचाना चाहिए, तो भर दिया और फिर से खोद रहा है, पेड़ों को काट दिया और फिर से पेड़ लगा रहा है, अब लगियो नहीं पा रहा है। यही कारण है